चलिए तो ये देखिए, हमारे जो पॉइंट्स थे हमें याद हैं अभी तक, इनको हम बार बार रेफर करेंगे, ठीक है। इनको बार बार देखेंगे हम, जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करेंगे, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी हुई है वही चीज़ है और कुछ नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है बताइए, कोई बच्चा समझाना चाहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहना चाह रहा है? कोशिश करिए। बताइए, कोई कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है? आवाज आ रही है सबको सर आपकी मेरी? स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आवाज बेटा स्क्रीन दिख आ रही रही है, है, समझाओ। स्क्रीन सर दिख रही दिख है रही है, दिख बेटा। रही। हाँ, जो समझाना चाहता है बेटा बोलिए। कौन था? श्वेता थी शायद। यस सर। सर जो हाँ पहले लोग बेटा हमें बताओ। ए बी सी डी, उसमें जो डायगोनल से हाँ ए सी वो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें ये शो करना है हाँ फर्स्ट में कि ये सी को भी बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमें दिखाना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों जो है इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना, ये वाले एंगल्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। उसके बाद एक और चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है? कि सर ए बी ए सी बी डी सी एक डी एक रॉम्बस रॉम्बस है, ये रॉम्बस है कि एक नहीं, प्रूफ करना है। ये प्रूव करना है ना। तो देखिए, जब पैरेलोग्राम होते हैं तो हमारे पास देखिए ये सब चीजें होती हैं, हमारे पास ये सब चीजें हमें पता है। एक पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तीन चीजें हमें पता है ना, कोई डाउट? और आपको सेकंड पॉइंट भी पता है, अ डायगनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी पता है आपको, पता है कि नहीं पता यस सर, पता है ना? सेकंड पॉइंट का यूज करें, कैसे यूज करना चाहते हो? देखो, सेकंड पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं हम और दूसरे पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं हम, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका लंबा प्रूफ छोटा प्रूफ दोनों होगा। अगर दो नंबर का सवाल आया है तो छोटा प्रूफ लिखना पड़ेगा, तीन चार नंबर, 3 या 5 नंबर का आया तो बड़ा वाला प्रूफ लिखना पड़ेगा, आपको सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो बताइए आप मेरे को, क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे बताइए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बताइए। सर डायगोनल एसी जो है वो पैरेलोग्राम को बाइसेक्ट, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। पैरेलोग्राम पहले आप लिखोगे ए बी सी डी क्या है, हमारा ए बी सी डी क्या है वो बताओगे पहले, तो ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम में बताओगे, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, ये ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पैरेलोग्राम को, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? सर एंगल एसी, सॉरी एसी बाइसेक्ट नाइन्थ ए के एंगल ए। बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं? नाइन्थ ए के यस सर, नाइन्थ आए हैं ना बेटा, तो हाँ चुपचाप मत बैठिए, आप भी पार्टिसिपेट करिए डिस्कशन में। हाँ तो क्या दिया हुआ है? एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है ना, सर एंगल नाइन्थ ए बी एसी एंगल ए को एंगल बाइसेक्ट बी करना है। सी अल्टरनेट बीइंग इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टेड बाय ए सी, ठीक है। तो आप इसको नाम रख दो, ठीक है, ए सी जो है, ठीक है। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स दोनों की दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, ये यस वाली सर, साइड जो होगी इसके इक्वल होगी, आप कह सकते हो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ऑल्सो दीज टू आर पैरेलल, ऑल्सो ये पैरेलल भी होंगी, ये जो सिंबल जो है यस सर, देखिए जो सेम होगी डबल सर एरो साइड। छोटे छोटे है ना, हाँ सर, पैरेलल पैरेलल। भी होंगी। अच्छा, अब ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये देखिए इन सबका एंगल्स का मैं नाम रख देता हूँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि एंगल थ्री एंगल टू बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं लंबे वाला प्रूफ कराता हूँ, शॉर्टेड प्रूफ में क्या होगा, देखिए शॉर्ट वाला जो प्रूफ होगा उसमें डायरेक्ट आप ये वाली थ्योरम यूज कर सकते हो, जो दो नंबर के सवाल अगर आ गया तो ये वाला पॉइंट आप यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो उसमें। और क्योंकि ये मैं इसको लेके चल रहा हूँ बड़े ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं, तो
इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे ले आते हैं। अरे बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ठीक है, तो हमें दो दो चीजें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? टू प्रूव, पहली चीज क्या प्रूव करनी है? एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। एंगल सी, दैट इज हमें क्या दिखाना है? एंगल थ्री को एंगल फोर के इक्वल दिखाना है ना। और यहाँ पे देखिए ठीक इसका मतलब क्या है, एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है हमें, इट इज गिवन। ठीक है, एंगल वन और एंगल टू लिखने से क्या होता है, हमारी थोड़ी आसानी हो जाती है लिखने में एंगल्स को। ठीक है, तो प्रूफ चलो लिखते हैं इसका। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इक्वल चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे बताओ, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया। ए सी इज कॉमन, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, आप लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए तीन साइड्स मिल गई, दोनों सारी सारी इक्वल नहीं मिल गई, तो आप कह सकते हो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, क्या कह सकते हैं हम? बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, एडीसी ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं सी बी ए। ठीक है, तो देखिए सी बी ए अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल सीबीए बाय सीपीसीटी। अरे इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी यार, ऐसे करने बिना करे भी हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए बिना ही कर सकते थे हम इसको। ठीक है, ये देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये लंबा प्रूफ हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं थी हमें। आप सीधे सीधे लिख सकते थे कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, है ना? ए बी अगर पैरेलल के सी डी है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एंगल थ्री जो है वो एंगल किस, कौन से एंगल के इक्वल होगा? एंगल 4, एंगल अरे भगवान, ए एंगल बी, टू ए सर, बी एंगल 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 टू एंगल टू के इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट क्यों? इंटीरियर एंगल, यस अल्टरनेट सर, इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, आपको पता है ए डी जो है वो बी अपोजिट सी के करेंगे सर, पैरेलल है, ठीक है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, आपको पता है, तो इससे क्या पता लग जाएगा आपको? एंगल वन जो एंगल होगा फोर वो किसके इक्वल? इक्वल टू एंगल 1 इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये देखिए इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, तो इससे क्या पता लगा आपको वन और टू से? और आपको पता है, एंड वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो, हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, इट इज गिवन। ठीक है, तो ये देखिए वन टू थ्री, फ्रॉम वन टू थ्री आपको पता लगा, फ्रॉम वन टू एंड थ्री आपको पता लगा, देखिए एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर है। एंगल टू किसके बराबर है? यहाँ पे देखो एंगल टू किसके बराबर है, ये एंगल थ्री के बराबर है ना? और यहाँ पे देखो एंगल वन किसके बराबर और है, एंगल वन एंगल फोर के भी बराबर है, तो ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, दिस इंप्लाइज दैट एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं? सी को। ये सिंपल प्रूफ है इसका, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स वाली थ्योरम से ही हो गया हमारा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। अब देखिए ये दोनों एंगल अगर प्रूव हो चुके हैं बच्चों, देखो, ठीक है, आप ध्यान से देखो इस क्वार्टरली, इसको देखो ध्यान से,
आपको पता है कि ये सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। एंगल वन जो होगा वो एंगल थ्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, एंगल होगा ना। yes, तो ये एक ट्राइंगल है बच्चों, देखो ट्राइंगल ए डी सी, तो इन दोनों के जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी ना। Yes, sir. इन दोनों के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। yes, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली देखिए एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल है, एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गई, है ना। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ये सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या बन जाता है? रोम्बस। रोम्बस बन जाता है, राइट। हाँ, वो रोम्बस बन जाता है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं जरा पकड़ के, ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। अब सवाल दिखेगा हमें अच्छे से, देखो बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चों, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हमें प्रूफ करना था। तो हम देखो यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं, है ना। एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं। वन टू थ्री फोर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। क्योंकि आपको पता है, देखिए सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी। एंड दूसरी साइड्स कौन सी इक्वल होंगी? अपोजिट साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं? ए बी सी डी और दूसरी ए डी इक्वल्स टू बी सी। बी सी, ठीक है, बी सी। अब आपको पता है, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको पता है कि एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल है, ठीक है। ये इससे होगा, देखिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, बाय फोर। फोर्थ इक्वेशन से आपको पता है कि एंगल टू जो है वो एंगल फोर के इक्वल है। एंगल टू एंगल फोर के इक्वल होगा तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो बताइए अपोजिट साइड्स इक्वल कौन कौन सी हैं? AB equals to BC, AB equals to BC, ठीक है। अब इन तो अब इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, AB equals to CD equals to BC, ठीक है। अब आप यहां से बस लिखना शुरू कर दो, दिस इंप्लाइज दैट AB equals to BC, ठीक है। AB जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहां से BC किसके इक्वल है? BC किसके इक्वल है यहाँ पे? AD के, AD के। BC देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, BC किसके इक्वल है? AD, AD के, है ना। और यहाँ पे देखो AB किसके इक्वल है? CD के। तो आपको पता है ये देखो AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AD और ये CD के इक्वल हो जाएगा। सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई, सारी की सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ABCD जो है रोम्बस है, समझ में आया। अगला सवाल देखिए, इसी का कन्वर्स है। अगर AC एक ABCD एक रोम्बस है तो वो जो उसके डायगोनल्स होंगे वो एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। AC का कन्वर्स है। तो मैं एक रोम्बस बनाता हूँ, रोम्बस बनाने की क्या टेक्निक होती है? आप दो परपेंडिकुलर डायगोनल्स बना दो बस, 5 6 3 3,
देख रहे हो आप, ये क्या बना दिया हमने, रोम्बस रोम्बस रोम्बस। हैप्पी बर्थडे मैम। सर का माइक ऑफ है। माइक बंद है। काले। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये ए बी सी डी आपका रोम्बस है। ए बी सी डी आपका रोम्बस है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रोम्बस की देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? तो ये हमें चीजें पता है। तो यहाँ पे शो दैट करना है कि AC bisects angle A as well angle C and diagonal BD bisects angle B and angle D। तो ये दिखाना है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। सिमिलरली ये प्रूव करना है एंगल फाइव एंगल सिक्स के इक्वल होगा, एंगल सेवन एंगल एट के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिवन है क्या, ए बी सी डी रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस है तो इसका मतलब क्या होगा, सारी की सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपने पढ़ा था ना, हमने प्रूव भी किया है, ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, सॉरी बी डी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जल्दी से बताइए क्या प्रूव करना है हमें, बताइए क्या प्रूफ करना है, बताइए। एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहाँ पे वो दिखाने के लिए क्या करना, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कौन से दो एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे? कौन से दो एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे हमें बताओ? अरे बताओ यार, क्या कौन से दिखाने पड़ेंगे हमें? ये दिखाना पड़ेगा एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल है, एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है, एंगल फाइव जो है वो एंगल सिक्स के इक्वल है, एंगल सेवन जो है वो एंगल एट के इक्वल है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, ये इससे प्रूव, इससे क्या प्रूव होगा, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, और इससे क्या प्रूव होगा, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, ये प्रूफ होगा, ठीक है। अब आप सोच के मेरे को बताओ मैं कहां से शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं? मेरे पास ये है कि ये सारी की सारी साइड्स बराबर हैं, ये गिवन है, सारी की सारी साइड्स बराबर हैं और जो इसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के।
तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? तो बताइए कैसे शुरुआत करेंगे प्रूफ लिखने की? हमें देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा पहले। इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन को ओ मान लेता हूं मैं। बताइए हमें, देखिए हमारा एम है 3 और 4 को इक्वल दिखाना, उसके बाद 1 और 2 को इक्वल दिखाना। तो कैसे करेंगे बताओ? बताइए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स को? DOA और DOC को कॉन्ग्रुएंट करके 3 और 4 को इक्वल दिखा देगी और 5 और 7 को इक्वल। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ठीक है, तो DOA और DOC में देखिए क्या क्या इक्वल है। आपको पता है इन दोनों ट्रायंगल में देखिए DO कॉमन है, DO इज कॉमन, और आपको ये पता है एंगल DOA जो है वो एंगल DOC के इक्वल है। क्यों बताओ, रीजन क्या है बताओ? 90 डिग्री होगा ना, ये डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों 90 डिग्री का होगा। और आपको पता है AD जो होगा वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस हैं ये, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, पता है ना आपको? यस सर। और सर DO कॉमन, DO कॉमन ऊपर लिख तो दिया मैंने। कौन सा कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया यूज होगा यहाँ पे सर? RHS, ये राइट है ना, ये राइट एंगल आ गया, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, और ये साइड है। ठीक है, तो RHS यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो बाय RHS आप कह सकते हो ट्रायंगल DOA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के। सिमिलरली देखिए आप बाकी सारे ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, तो मैं वो प्रूफ सबके नहीं लिखूंगा, उनके प्रूफ आप सबको लिखने हैं। समझ में बात? सबके प्रूफ मैं नहीं लिखूंगा, आपको भी प्रूफ लिखने हैं, है ना? मैं प्रूफ लिखाता रह जाऊंगा तो बस ये चैप्टर मार्च तक चलेगा, फिर मार्च तक पूरा होगा। तो DOA को आप DOC के इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हो, और BOA को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो आप DOA से। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल BOA को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो ट्रायंगल BOC, और आप ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो ट्रायंगल DOC के। ये सारे के सारे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये सारे के सारे ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ये सारे के सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं ये। ठीक है, तो बाय CPCT आप कह सकते हो, बाय CPCT एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट BD bisects एंगल D एंड एंगल B, और बाय CPCT आप ये भी कह सकते हो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा सर? AC bisects एंगल A एंड एंगल C। AC bisects एंगल C, एंगल A है ना, तो प्रूव हो गया ना A एंड C। अगला क्वेश्चन बताओ कैसे, क्या कह रहा है? बताइए सर, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें AC एक डायगोनल है जो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि ABCD स्क्वायर है। सेकंड में दिखाना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ठीक है ठीक है, चलिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ? हेलो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, वेरी गुड वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रा। देखिए इस कोऑर्डिनेट का हम क्या कहते हैं, ये देखिए कोऑर्डिनेट जैसे समझो ABCD,
रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल में पहले क्या होता है, एंगल कितना होता है? सर 90 डिग्री। सो ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या दिया है एसी को, क्या कह रहा है एसी? एसी बैक एंगल ए एंड एंगल सी as well as angle C. Given that angle A and angle C are bisected, मतलब ये angle C में क्या होता है? ये symbol क्या है? Symbol में given क्या है? Given क्या है? बताइए आप, अभी बताइए। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Great. Also. DAC is equal to angle, देखिए एंगल DAC is equal to angle, बोलिए ना, रीड कीजिए DAC, ये एंगल CBA, इसका इसका एक एंगल is equal to angle two ना, एंगल BAC, CBA, सही है। वैसे कुछ बता सकते हैं, एंगल DCA is equal to angle AC, angle BC, BC. देखा आपने, ये तो आप बता सकते हैं ना। अब क्या है, what we have to prove? ABCD is a square. Yes, to prove ABCD is a square. ABCD is a square. Rectangle square बनने में क्या चाहिए? Actually property क्या चाहिए? All sides are equal. All sides are equal. बोलिए। All sides are equal. Okay. कम से कम इसमें क्या होना चाहिए? Adjacent sides are equal हो सकता है। कम से कम। ये numbers लिखा है मैंने। Yes sir. कर रहे हैं। Proof. मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, एंगल वन इज इक्वल एंगल फोर लिखता हूं। देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर लिख रहा हूं, सही है क्या? यस सर। यस कैसे? इंटीरियर एंगल इफ एसी इज अ ट्रांसवर्सल एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल, समझ रहे हो? लैटिन नहीं लिख रहा हूं, देखो। यस सर। आपको मगर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर क्यों? एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर क्यों? यहां देखो एंगल क्यों, ये किसमें दिया है? एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर दिया है ना, किसमें दिए? एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू, एंगल आर इक्वल। हाँ एक्चुअली एंगल थ्री इज इक्वल एंगल फोर दिया है, गिवन है, गिवन में लिखा है। देखो DCA is equal to ACB लिखा ना, DCA is equal to ACB दिया है ना। yes, so, अब क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? Angle 3 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 2, angle 2, अरे यार angle 1 is equal to, क्या लिख सकते हैं इन दोनों से देख के बताइए। एंगल थ्री, एंगल थ्री, वेरी गुड। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री फ्रॉम वन एंड टू, ये वन आए तो, ये टू आए तो फ्रॉम वन एंड टू लिख सकता हूँ। ओके, फ्रॉम वन एंड टू, समझ रहे हैं? ये समझ गए? हार्ड लग रहा है आपको? ये रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, दिस रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब बताइए इन ट्रायंगल एडीसी, ओके, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री इंप्लाइज एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल डीसीए, इंप्लाइज क्या है? अब बताइए इसके इंप्लाइज क्या होता है? ये ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये मल्टीपल चॉइस चाहिए क्या आपको?
in a triangle, if two angles are equal, that triangle is called scalene triangle. Isosceles triangle. So कौन सा साइड से इक्वल कर सकते हो? एंगल वन का सामने कौन सा साइड है? एंगल वन का सामने BC is equal to एंगल थ्री के सामने कौन सा साइड है? DC is equal to AD. DC is equal to AD. AD. DD. So क्या बनेगा? ABCD क्या बन रहा है फिर? Right angle triangle. It is square. ABCD square बन रहा है. Square. Is a square. Is a square. अगर बन रहा है, adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Adjacent sides of a rectangle are equal means it's a square. आपको याद है ना? Rectangle are equal. Okay. Right, very good. तो हमने एबीसीडी से स्क्वायर समझ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड. हेलो, आपको क्या है अभी, क्या आप क्या चाहिए? ये एबीसीडी से स्क्वायर मतलब ऑटोमेटिकली पहले क्या किया हमने, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, डायगनल बी डी बाय सिक्स, डायगनल बी डी बाय सिक्स, एंगल बी एज वेल एज डी. Okay. Therefore, angle BD diagonal bisects angle B as well as angle D. अगर आपको satisfy नहीं तो prove भी कर सकता हूं मैं इसको. कैसे? Triangular इससे करूंगा मैं, ठीक है, triangular congruency से करूंगा. कैसे देखता हूं, दिखाता हूं आपको. अगर आपने सेटिस्फाई नहीं तो फिगर देखो, फिगर में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल डीएबी को बीसी डी के डीएबी नहीं, बीडी डायगनल होना चाहिए इसमें, बीडी डायगनल होना चाहिए, इसलिए हम एबीडी सीबीडी लेंगे, ट्रायंगल एबीडी सीबीडी लेंगे. ओके, ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल सीबीडी लेंगे. ओके, इसमें साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है, तो क्या कहूं मैं, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी लिखूंगा, राइट, ए बी इज इक्वल टू सी बी लिखूंगा, वेरी गुड, ए बी इज इक्वल टू सी बी, वेरी गुड. नेक्स्ट और क्या लिख सकता हूं, BD is common. AB is equal to BD is common. BC. BD is common. BD is common. BD. Okay. Next out. AD is equal AD. to AD. AB. AD is equal to CD. CD. क्योंकि these are squares. ये common है. Yes. ये sides है. Sides of square. Sides of squares are always equal. कोई भी sides इसको इसको बाय एसएसएस ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी. इसलिए क्या होता है, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी, एग्रीड, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ओके, बाय एसएसएस, एग्रीड. तो आपको जो चाहिए बताइए, बीडी डायगोनल डिवाइड्स एंगल, बोलिए, बोथ एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय एंगल ए ना, यस सर, बी और डी, हाँ, बी एंगल बी, एंगल बी इज बाइसेक्टेड बाय बी डी, बाय एज वेल एज बाय बी डी एज वेल एज एंगल बी डी, एंगल समझ में आया, वेरी गुड. ये इजी है, तो बहुत इजी था, इजी है, हार्ड लग रहा है आपको, बताइए, ये पूछ रहा हूं मैं, सो इजी, ओके, वेरी इजी. स्क्वायर एक बार बताए तो सारी क्वालिटीज आ जाता है, स्क्वायर एक बार बताए तो आता है, जिसमें स्क्वायर नहीं बता पा रहे हो ना,
ये देखिए ये बहुत इजी है मगर देखने में बहुत हार्ड लगता है। पर क्या दे, एबीसीडी, एबीसीडी क्या दे रहे हैं बताइए गिवन। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा लिखू क्या आपको समझता है, ये समझते हैं नहीं समझते हैं? ये देखिए डीपी, डीपी कहाँ है यहाँ, डीपी को एक डैश लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू कहाँ है यहाँ, राइट। आपको क्या दिखाना है टू प्रूव, एक एक लिखेंगे टू प्रूव, इसमें एक एक प्रूव करेंगे, समझे? सारी पहले लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए पी डी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट क्या है, AP is equal to AP is equal to CQ is equal to CQ. थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रायंगल AQB congruent to ट्रायंगल CPD, CPD ट्रायंगल AQB congruent to ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल CPD। इसके बाद क्या लिखते हैं, साइड AQ equal to CP, इसके बाद क्या है, फाइव पॉइंट्स है इसमें, देखा? APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. आप याद रखिए इसका फाइव मार्क्स का दे सकते हैं, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ये, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। पहले कहाँ से स्टार्ट करें आप बताइए? सर ओवन से, एपीडी ट्रायंगल सीक्यूबी। हाँ, आपको दोनों ट्राइंगल ड्रा करके दिखाऊं, ये फर्स्ट वाला ये करके दिखाएंगे आपको, ये ट्राइंगल अलग से ड्रा करके दिखाऊं, आप याद रखते हैं क्योंकि मैं नीचे स्पेस ढूंढता हूँ, ए पी डी एंड बी सी क्यू बी, है ना, ए क्यू बी सी क्यू बी टू प्रूफ। इसमें क्या लिखूं, प्रूफ में लिखूं फर्स्ट वाला ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इसमें इन लगाता हूँ, इन, इन इज ए कंजंक्शन, इन लगा रहा हूँ, ओके। हाँ, ए फिगर्स ड्रा करूँ क्या, कैसा है ये एपीडी, एपीडी, ओके, ऐसा है ये फिगर, एपीडी, और इसमें क्या है, सी क्यू बी, ऐसा है ना, देखिए फिगर में सी क्यू बी, ओके। इसमें बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, कैसे, बी क्यू, सॉरी बी क्यू इज इक्वल टू सी, क्या दिया है हमको, क्या दिया है यहाँ पाले, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों इक्वल दिया है। और आपको पता है ए डी, ए डी इज इक्वल टू AD is equal to CB, क्यों ये देखते हैं, ये दोनों आपने देखा, आपने, मैंने क्या लिख रहा हूं, AD is equal to BC लिख रहा हूं, क्यों पहले बताइए, मैं लिख रहा हूं AD is equal to CB, क्यों लिख रहा हूं ऐसा, आप बता, फिगर देख के बताइए फिर, क्योंकि, क्योंकि गिवन है सर, AD is equal to, क्या गिवन है इसमें, ये क्या गिवन है, क्या गिवन है बताइए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB इज पैरेलल टू BC, ये क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, इक्वल आर इक्वल, इसलिए होता है ये। अगर वो नहीं दिया तो भी हम बता कर सकते हैं। और DP is equal to BQ, QB, एक QB, हाँ QB BQ दोनों से, ये एक कहाँ से मिला आपको, ये कहाँ से मिला, so it is given sir, it is given, हाँ लिखना पड़ेगा, हर स्टॉप लिखना पड़ेगा, ओके। और एक इसके बीच का एंगल देखते हैं, कोई एंगल देखिए, एंगल ए डी पी, ये देखिए एंगल सी बी क्यू, ये क्या हो रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आप ध्यान से बताइए,
So alternative interior angles are alternate interior angles. Yes. Half a. So by alternate interior angles, it is equal. Interior angle. By alternate interior angles, okay. मैं ऐसे लिखता हूँ कोई तकलीफ नहीं है ना बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नो सर पूरा लिखूं क्या नो सर जरूरत नहीं ना आप समझते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो मैं क्या लिखूं ट्रायंगल एपीडी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी लिख रहा हूँ क्योंकि थ्री पार्ट्स कौन सा थ्री पार्ट्स यूज किया बोलिए ये क्या है साइड है ये क्या है ये साइड है साइड एंगल साइड ऐसे साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी ये यूज किया तो तुरंत हमको सेकंड पार्ट क्या चाहिए सेकंड पार्ट चाहिए देखो सेकंड पार्ट क्या है एडी सर एडी इक्वल्स टू सीक्यू बाय सीपीसीटी सर सेकेंड पार्ट क्या है एपी इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकता हूँ कैसे क्यों ऐसा मेरे को वेरी गुड सीपीसीटी मतलब क्या होता है सीपीसीटी मतलब क्या करेस्पोंडिंग पार्ट करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यस करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ओके इन ट्रायंगल ए क्यू बी कमा ट्रायंगल सी पी डी इसमें क्या इक्वल है आप बता सकते हैं दिखाओ पिक्चर्स में ए क्यू बी ये भी इज इक्वल टू डी पी ये भी इज इक्वल टू सी डी सी डी क्यों अपोजिट साइड्स आर अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ओके okay ना और दूसरा अभी अभी क्या प्रूव किया मैंने AP is equal to C AP is equal to CQ AP is equal to AP is equal to CQ use किया AP is equal to CQ use किया AP is equal to CQ okay ये तो हमने बताया हमको ए क्यू बी सी पी डी में चाहिए ना दूसरा क्या है ए क्यू बी सी पी डी हाँ मैंने गलत लिखा क्या इसमें ए पी इक्वल सी क्यू प्रूव करना है ना हमको हाँ हो गया ए क्यू बी सी पी डी वेरी गुड ए पी इज इक्वल टू सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स CQB, CQB, okay. APD दिया क्या AQB, CPD, CPD, बेटा CP, हमको क्या चाहिए AP is equal to CQ तो हमने प्रूव किया तो क्या होता है फिर इसमें हमको क्या चाहिए इसमें कौन सा यूज करना है हमको कौन सा यूज करना है हमको बताइए AQB चाहिए AQB, ये इस ट्राइंगल में AB is equal to CD किया ये हो गया और क्या आपको मालूम है सो हमको ये मालूम है कि एंगल B is equal to एंगल D एंगल B is equal to एंगल D by alternate interior angles एंगल B is equal to एंगल D मालूम है वेरी गुड ये भी मालूम है वेरी गुड और क्या मालूम है सर BD equals to BQ ये तो गिवन ही है सर हाँ ये तो बी क्यू इज इक्वल टू डी पी ये भी दिया है ना यस सर तो भाई क्या होता है ऐसे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों हाँ अभी एक एक बताइए आपको याद है ना मैं फिर फिगर नहीं देखता हूँ मेरे पास फिगर नहीं मिलता इसलिए ठीक है याद है ना फटाफट आप बताना पड़ेगा मुझे ओके फिगर याद नहीं होता इसलिए इसमें ए बी इज इक्वल सी डी लिखा और क्या लिखूं एंगल 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 बी इक्वल्स टू एंगल डी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा एंगल बताओ ना प्लीज पूरा एंगल बताओ मुझे सर सर एंगल सो दो मिनट ए बी क्यू ए बी क्यू ए बी सर एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी
CDP well, AD, A A B Q equals to CDP. CDP yes. CDP. Why? Yes, very good. ये तो सही है. Next. और क्या बताऊं? BQ equals to PD because it is given. BQ is equal to. BQ CD. Is equal to DPD. PD. Yes. DPD. PD. PD means given. Given. ये तो given. अब क्या कह सकता हूं मैं? अब बताइए. SAS. And triangle AQB is congruent to triangle CPD. Why? Why you are saying like that? Condition क्या है? SAS angle. SAS congruence criteria. अब क्या चाहिए आपको? Fourth one क्या चाहिए? ये तो third case है. ये third आपने prove किया. तुरंत आप fourth भी कह सकते हैं. Fourth क्या है? Sir. जितने रहा बाल CPCT sir prove fourth वाला. AQ is equal to क्या डायरेक्ट लिखते हैं? AQ is equal to CP 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 CCT by CPCT by हम डायरेक्ट लिखते हैं by CPCT. अभी फिफ्थ वन क्या लिखना है आपको बताइए. आपको दो मालूम है. क्या मालूम है आपको? APCQ is a parallelogram. AP is equal to CQ मालूम है. AP is equal to CQ मालूम है. ABCD is a parallelogram प्रूव करना है. कैसे कैसे? AP is equal to CQ मालूम है. AQ is equal to CP मालूम है. तो क्या होता है इन दोनों से? क्या होता है सोच के बताइए. इन दोनों से क्या कॉमन से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. हां APCQ से पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्यों बता रहा है ऐसा? क्योंकि दिस इज अगर थर्ड वन अगर दिस इज फोर्थ वन फ्रॉम थ्री एंड फोर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम बनेगा. थ्री एंड फोर इजी. देखो इसमें मुश्किल नहीं है. सब कुछ वो दे रखा है. हमको थोड़ा सा स्टेप्स डालना है बस. इजी है ना? क्या लग रहा है yes, आपको इसमें? हाँ ये इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. देखने में हार्ड लग रहा है पर इजी हार्ड लगता है. सब कुछ इसमें दिया है. फिगर वो दिया है और जो जो स्टेप्स डायग्राम देख के आ रहा है सब. इसमें ऑलवेज एसएस आ जाएगा. एसएस सीपीसीटी एसएस सीपीसीटी एसएस सीपीसीटी दो बार एसएस सीपीसीटी आएगा. सेकंड वन फटाफट निकलेगा फर्स्ट वन से. फर्स्ट वन लिखने में एसएस कंग्रुएंसी चाहिए और थर्ड वन में हमको एसएस सो फर्स्ट से सेकंड होगा और सेकंड से फोर्थ होगा और चारों से फिफ्थ प्रूफ हो जाएगा. थर्ड से फोर्थ होगा. थर्ड से फोर्थ हो जाएगा और थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ से क्या होगा? किसी को डाउट है तो बोलिए फिर दोबारा दोहराता हूँ मैं. कोई शक नहीं मुझे. एनीबॉडी इन द क्लास सबको समझ में आ रहा है? कौन बोल रहे बेटा? किसी को डाउट है? परेश मैना परेश मैना कुछ बोलना चाहता है? आवाज नहीं आ रहा है. ठीक है ओके. आपने कहा इसलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जा रहा हूँ. राइट हाँ ये क्या है बताइए मुझे. इसमें गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम गिवन. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. ओके का ठीक है. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एक्सेप्टेड. नेक्स्ट एपीसीक्यू आर परपेंडिकुलर. और क्या है? ये दोनों परपेंडिकुलर है. वेरी गुड. अब क्या प्रूव करूं मैं? टू प्रूव पहले टू प्रूव बता दीजिए क्या है. ट्रायंगल ए पी बी congruent to is congruent to triangle CQD. CQD इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या? कोई बता सकते हैं? कैसे प्रूव करते हैं APB? जस्ट डिस्कस करेंगे. ABCD क्या है? व्हाट इज ABCD? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इसका मतलब क्या है? AB क्या होता है?
ये होता है और ये क्या होता है? ओके और क्या होता है? और क्या होता है? बोलिए। एपीबी सीक्यूडी में काम करता है। एपीबी प्रूव करना है। सीक्यूडी देखा आपने? तो कैसा होता है बोलिए ना, क्या आपको ये मालूम है कि ये दोनों एंगल्स दोनों साइड्स इक्वल है? ये क्या इक्वल है? ऐसा मालूम होता है क्या? मालूम होता है क्या? यस यस सर। कैसे मालूम होता है? पहले वो कोशिश करें, वहां से शुरू करेंगे। वो साइड इक्वल है क्या आप बता सकते हैं? इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे? मैं इनडायरेक्टली ले रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग डायरेक्टली इन ट्राइंगल। एपीडी एपीडी दूसरा ले रहा हूं, ट्राइंगल देखो इसमें, ट्राइंगल सी बी क्यू, इसमें एंगल बताइए, एंगल कहाँ है? एंगल डी पी ए इज इक्वल टू कितना है और एंगल बी क्यू सी कितना है बताइए? 90 डिग्री बताइए। 90 डिग्री हाँ सही है, आपने सही कह रहे, सही कह रहे। इसे ये इसके जरूरत नहीं मेरी ख्याल से, इजी वे जाएंगे, डायरेक्टली ले लूं। आपको जरा सा आप थोड़ा सा समझदार है तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा, ये थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं बोले तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा। इन ट्राइंगल ए पी बी ले रहा हूँ मैं, ओके। इन ट्राइंगल सी बी सॉरी सी बी पी या सी क्यू सी क्यू डी सी क्यू डी ओके फर्स्ट वाला क्यू करेंगे वो डायरेक्ट ले रहा हूँ। अभी आपको बता थोड़ा सा समझदारी से बताना, राइट? डायरेक्ट ले रहा हूँ क्यू सी डी क्यू ओके। डी पी ए डी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू सी, ये भी स्टॉप नहीं चाहिए। 90 डिग्रीज कहाँ है बताइए, आप बताइए पहले, वेर यू गेट 90 डिग्रीज? कौन सा ट्राइंगल में सर? ए पी बी ए पी बी ए पी बी सी क्यू सी क्यू एंगल सी ए पी बी एंड सी क्यू डी ए पी बी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी क्यों 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 कितना लिखो एंगल 90 हो सकते हैं 90 डिग्रीज सही है, ये फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट और बोलिए, और बोलिए सर। एपी एंड सीक्यू आर इक्वल बाय सीपीसीटी। एपी एंड सीक्यू कैसे इक्वल हो गया बेटा? सीपीसीटी सो इट इज गिवन एबी इज इक्वल टू एबी सो एबी नहीं सर, मैं जो बता रहा बताइए। ए बी इज इक्वल टू डी सी, डी सी क्यों? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम। और एक एंगल पकड़ना है हमको, दूसरा एंगल पकड़ना है, कौन सा एंगल पकड़ेंगे बताइए? देखिए मैं एंगल जो मार्क कर रहा हूँ उसका पढ़ के देखिए। तो एंगल सी डी क्यू एंड ए बी पी इंटीरियर एंगल्स, एंगल सी डी क्यू एंगल ए बी पी यस सर इज इक्वल टू एंगल सी बी सी डी क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसा लिख सकता हूँ होगा एसी होगा क्योंकि थर्ड इसमें और एक थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, थर्ड एंगल इक्वल ऑटोमेटिक होता है, ए एस होता है
by AAS, so, okay? AAS होगा, ASA. AAS. AAS. A की डिफरेंस है इसमें. AAS congruency. इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, क्योंकि एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. ओके ना, ये दोनों है तो इसलिए हमने AAS यूज कर सकते हैं. ओके ना, राइट. नेक्स्ट, इसमें ये प्रूव किया, फर्स्ट वन प्रूव किया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वन क्या लिखूं? बाय सीपीसी. क्या लिखूं? बाय सीपीसी. सुनो, AP इक्वल टू CQ. AP is equal to CQ by CPCT. AP is equal to CQ. AP prove karna maine likha nahi. Ab chahte hain sir? So AP is equal to CQ likho. Right. AP is equal to CQ likh raha hu. Kyunki ye CPCT hoga. Okay. Next dekhiye. Sir bas itna hi hai. Hey, dekho ye kya hai fir? Ye nahi karna. Time ho gaya kya? कई बार एग्जाम फाइनल एग्जाम में आया है, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ. ये आप सुनेंगे, सुनने के लिए टाइम नहीं तो होमवर्क करना पड़ेगा. इन देता हूँ, गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट डाल दो सर. ये असाइनमेंट डालू? असाइनमेंट डालू? 12 है और क्या है? 12, दो ही सम्स बाकी है बेटा. और आप चाहते हैं मुझे असाइनमेंट डालने के लिए बोल रहे हैं. इसमें एक्सप्लेन करना क्या है, इसमें सब कुछ पैरेललोग्राम दिखाना है. कैसे होता है, आपने पैरेललोग्राम दिया है ना, पैरेलल लाइंस दिया है ना, तो इसलिए क्या होता है, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए. ए बी फर्स्ट वाला क्वालिटी, ए बी ई डी, ए बी ई डी से पैरेलोग्राम कैसे दिखाते हैं? One side, these two are equal and parallel. दिया ना, ये sentence देखो. AB is equal to DE. मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ. AB is equal to DE and AB is parallel to DE. मतलब क्या होता है first वाला? It implies ABED is a parallelogram. ABED कब parallelogram हो गया? तब क्या होता? AD is parallel to BE and they are equal. Okay ना? On the base क्या होता है? BE सी एफ, ये देखो नीचे वाला, बी ई सी एफ विल बी ए पैरेललोग्राम. इसका मतलब क्या होता है? बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड आल्सो दे आर पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल. इसका मतलब क्या होता है? आपने क्या ले सकते हैं फिर? क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं तुरंत? ए सी, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ हो गया ये. ए सी इज इक्वल डी एफ होता है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिखा है ना, इसलिए AC इक्वल टू DF होता है. ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल. ये किसको समझ में आया मालूम है? सेकंड से थर्ड करेंगे, ये आराम से आ जाएगा. आपने जस्ट एक-एक अपोजिट साइड्स, दूसरा अपोजिट साइड्स, एक पैर तो दिया है, दूसरा पैर हम लिखते हैं, इसके अलावा दूसरा पैर कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम बनेगा, और इसके जो लेफ्ट और साइड हम लेते हैं उसको पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोले तो नेक्स्ट बनेगा. ऐसा ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ बनेगा. तो SSS रूल से ये पूरा बनेगा, ये आ जाएगा, समझे ना? ये बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है. ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का, इसलिए एक्सरसाइज पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है? अटेंडेंस ओके, आप लोग जा सकते हैं फिर. ओके,